हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोटॉक शो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 3 मूवी के बारे में। इस मूवी का हाइप ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नो डाउट कि 2024 की मार्वल नहीं बल्कि शायद से हॉलीवुड की सबसे बड़ी पिक्चर हो सकती है। इसमें हमें न जाने कितने सारे कैमियोस और कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। हमें लगभग सारे की सारी फॉक्स के एक्समैन कैरेक्टर्स, मल्टीवर्स, टीवीए और न जाने क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ की अभी हाल ही में डेडपूल 3 से कई सारे सेट इमेजेस भी हमें देखने को मिली है। तो एक सेट इमेज में हमें खुद हमारे डेडपूल रैन रेनॉल्ड्स और हमारे लोगन यानी कि वुल्वरीन अपने फुल कॉस्ट्यूम में देखने को मिल चुकी है, जिसके ऊपर अपन ने कल थोड़ी सी बात की थी। तो यहीं पर उस वीडियो को रिलीज करने के बाद हमें डेडपूल 3 से और भी कई सारे सेट इमेजेस देखने को मिले। इनफैक्ट एक 3 मिनट की सेट वीडियो भी देखने को मिली, जो कि बाय द वे मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी अब हम बात करें फाइनली उन सारे सेट इमेजेस के बारे में और उस 3 मिनट के सेट वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लोकेशन की। पिछली शूटिंग बेसिकली एक बीच के पास की जा रही है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर इसके डेडपूल 3 से रिलेशन के बारे में, तो ये सीन बेसिकली हमें डेडपूल 3 मूवी के अंदर टीवी का व्हाइट होने वाला है, यानी कि वो जगह जहाँ की बैनिश होने के बाद लोकी की सीरीज में सारे लोग पहुँचते थे। जहाँ की आपको याद होगा कि लोकी की सीरीज में भी हमने ये जगह देखी और इस जगह पे हमें न जाने कितने सारे रेफरेंसेज, कितनी सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि थॉर का हैमर, थॉर का फ्रॉग वाला वर्जन और भी कई सारी चीजें। और ऐसी हमें यहाँ पर डेडपूल 3 में एक्समैन के फॉक्स स्टूडियोज का लोगो देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली बिखर चुका है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्समैन वाली फॉक्स यूनिवर्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि डेडपूल के टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स ट्रैवल करने की वजह से हुई है, और शायद से यही रीजन है कि वुल्वरीन डेडपूल से फाइट कर रहा है। एंड एक सीन के अंदर वो डेडपूल के आर्म को भी उखाड़ने वाला है। ये लिटरली बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मजा आने वाली है। बाकी फॉक्स स्टूडियोज का ये बिखरा हुआ लोगो देखकर पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, और इस पूरे सीन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फिल्म के अंदर वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर आप लोगों ने कोई और चीजें नोटिस करी हो तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। फिलहाल अपन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।